राजस्थान के पर्यावरण सचिव पर्यावरण समिति के जो सचिव हैं यशोवर्धन शर्मा, उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किया है ऐसी साइट्स पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिली जो जैसलमेर में कहीं आपने 22 साइट्स घूमी है। तो ये बहुत आज के क्रांति हैं सभी जनमुखी अपने प्रयासों से ये कार्य हुआ और ये साइट्स हजारों वर्षों पूर्व लाखों वर्षों पूर्व बनी हुई हैं और आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देगी। परंतु ये कठिन कार्य था जिसे अंजाम देना क्योंकि जमीन खराब होने से रुकी नहीं है, वो आप दूर से आए और उसी तरीके से आप इनको देख सकते हैं जैसा कि कंप्यूटर ने आपको थोड़ा देखा है। और उससे भी एक महत्वपूर्ण कार्य जियो टैगिंग भी की है, तो आपके पास अच्छे से लेकर के सभी वोटर लॉजर का आज डॉक्यूमेंटेशन किया है। अब इन टैगिंग उसकी है कि उसे किस रूप में किस कोर्ट में आगे ले जाया जाए जिससे कि एक बार हमें ये स्टे मिले या आगे चल सके एक साथ, क्योंकि एक ही तरीके के ये मैटर है। तो विचार ये रखा गया कि जब तक पूरे हमारे पास जितने अधिक से अधिक ना आ जाए, जिसमें सबसे बड़ा आपको ध्यान है वो तो दर्ज है हमारा भादरिया का ओरन है, उसी प्रकार देख रहे हैं और कई छोटे बहुत ही छोटे विकासशील का बहुत छोटा ओरन भी है। तो बड़े छोटे जो भी ओरन ध्यान में आए गाँव वाले आगे आते गए और जैसे जैसे ध्यान में आए ये मूवमेंट चल पड़ा। तो अब इसके ऊपर ये विचार जल्दी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से भी और एनजीटी के लॉयर से भी चर्चा करके और इसे कहाँ लगाना चाहिए, किस तरीके से हमें रिलीफ मिले और ये गोचर और उभरण हमारे बन चुके हैं, क्योंकि जैसलमेर की एक मुख्य धरोहर है, पूरा जो हमारा इको सिस्टम है वो उसी पर डिपेंड करता है। तो अगर वो अपना पूरा सिस्टम कलैप्स हो जाएगा तो 40-50 लाख जाकर मेरा विचार है अगर उनके साथ आप लोगों ने ये एक महत्वपूर्ण विलक्षण और अभूतपूर्व खोज है। मैं बताना चाहूँगा जियोग्लिफ्स कुछ 1.5 वर्ष पहले फ्रांस के हमारे साइंटिस्ट ने जियोग्लिफ्स के बारे में बताया कि जैसलमेर में 4 जियोग्लिफ्स मिले हैं। इनटैक राजस्थान ने इसे उठाया और जैसलमेर के अंदर यशोवर्धन सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी
और हमारी पूरी टीम जो लोकल टीम है साधुवाद के पात्र हैं, जो साइंटिस्ट ने काम किया वो यहाँ पर लोकल स्तर पर पार्थ जी, अधिताभ जी और सुमेर सिंह जी और हमारे राधेश्याम जी और इनकी टीम ने मिलकर के यहाँ 22 करीब जियोग्लिफ्स यहाँ पर ढूंढे हैं, जिनके अंदर के आपको मंकी का शेप दिखता है कईयों के, और वर्ल्ड के सबसे बड़े जो आज तक मिले हैं उनमें सबसे बड़े जियोग्लिफ्स यहाँ पर ढूंढ निकाले हैं, जो प्री हिस्टोरिक टाइम के हैं, मतलब पुरातन काल से भी पुरातन काल के हैं, और 22 में मछली के शेप के भी हैं, मंकी के शेप के भी हैं, कुछ हार्ट के शेप के भी हैं। तो ये एक अभूतपूर्व डिस्कवरी है जो कि पहले कभी कहीं भी देखने को नहीं मिली। वर्ल्ड में 3 या 4 जगह ऐसी साइट्स हैं, कजाकिस्तान में है इनका का वो जो है सबसे फेमस वो हैं। अब ये भारत के अंदर टूरिज्म में ख़ास तौर पर जैसलमेर के अंदर इसमें अभूतपूर्व संभावनाएं हैं कि लोग जाकर के इसे देख सकें, और एक नाइट भी पड़े यहाँ पर, और शोध का भी यह विषय है कि इनकी कार्बन डेटिंग हो, और इस पर भी काफ़ी शोध कार्य बाकी है, परंतु इन्हें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज इन्हें संरक्षित साइट घोषित किया जाए ताकि लोग इसे और नुकसान ना पहुंचाएं और इन क्षेत्रों का विकास हो सके आने वाले समय में। पर टूरिज्म की दृष्टि में ऐसी कोई खोज होना मेरे ख्याल से एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य है। और जियोग्लिफ्स प्री हिस्टोरिक टाइम में ये आदि मानव के समय के यदि हम देखें तो जो कि ऊपर से ही दिखते हैं, परंतु ये इन्होंने उस समय कैसे बनाए इतने बड़ी स्टेज पर, जैसे एक ज़मीन पर ये एक तरीके की कार्विंग है, और ये इतने हज़ारों वर्षों पुरानी है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी शायद पुरानी है। तो ये उस समय में ये कार्य करना और उस शेप का आज तक डिस्टॉर्ट नहीं होना या ख़राब नहीं होना और अभी तक पड़े रहना, तो ये एक अभी भी शोध का विषय है। अभी साइंटिस्ट इसका हिंदी में कोई जियोग्लिफ्स का हिंदी का रूपांतरण भी नहीं आया अभी तक, तो ये एक बहुत ही रोचक और विशेषतापूर्ण मैं कहूँगा कि खोज है। तो इनको देखने के लिए आपको जैसे अब तो ड्रोन की व्यवस्था है तो ड्रोन से देख सकते हैं या कोई टावर बनाकर देख सकते हैं, तो आप इनकी फोटोग्राफी में अगर इनको देखेंगे तो ये इतने बड़े स्तर पर एक जैसे देखें कि मगरे के ऊपर जो हमारी लोकल भाषा है थोड़े से हिलॉक के ऊपर ये बनाते हैं जिससे हिल्स के बीच में ये इसकी आकृति को उकेरते हैं। ये ज़्यादातर आप देखें तो खडाल क्षेत्र में मिले हैं, तो इसकी भी एक बड़ी रोचक वो है। करीब 6 महीने इस कार्य में लगे और हमारी जो टीम है लोकल टीम उन्हीं ने इंटैक्ट के मेंबर्स हैं, पार्थ जगानी जी हैं जो काफ़ी वर्षों से इस पर कार्य कर रहे हैं, और उनके साथ अजिताभ जी हैं, सुमेर सिंह जी हैं लोकल जो हेल्प करी उन्होंने, और राधेश्याम जी हैं, इन चारों ने मिलकर यह अभूतपूर्व कार्य किया। और साथ ही साथ हमारे इंटैक्ट बाड़मेर के यशोवर्धन सिंह जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, और ख़ास धन्यवाद दूंगा मैं जोधपुर बाप जी का जो राजस्थान इंटैक्ट के हेड हैं और हर कार्य में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग किया। इसकी कार्बन डेटिंग कराएंगे और इस पर और अधिक शोध हो सके, देशी और विदेशी साइंटिस्ट आएँ और इसके ऊपर अधिक से अधिक शोध हो ताकि इनका पता चल सके कि कितने वर्षों पुराने हैं और ये बचे कैसे, इनके अंदर ऐसी क्या विशेषता है कि ये ख़राब नहीं होते। मेरी डेजिनेशंस ये हैं कि सबसे पहले मैं इंटैक बारमेर चैप्टर का कन्वीनर था 2016 टू 2019, 3 साल के लिए रहा, एक ही मैंने टर्म लिया था। उसके बाद मुझे जोधपुर महाराजा श्री गज सिंह जी ने मुझे इंटैक स्टेट की एक इन्वायरमेंट कमेटी बनाई, उसमें मुझे उन्होंने सेक्रेटरी बनाया, आप महाराजा साहब उसमें चेयरमैन है, और अब आज लोग हम नेचुरल हेरिटेज और इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। हम लोग, हमारी कमेटी का काम है इन्वायरमेंट पे, कल्चर पे, हेरिटेज पे, अलग अलग इश्यूज पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। कि एक दिन मैं अपने कोरोना पीड़ितों को कुछ देने जा रहा था, अपने राशन वसन उनको सपोर्ट कर रहा था, अचानक एक फ़ोन आता है मुझे कि यशवर्धन बाड़मेर में जियोग्लिफ मिली है। तो मैंने कहा आप कौन? तो क्या मैं इंटैक चेयरमैन एल के गुप्ता बोल रहा हूँ, मैंने अभी जस्ट टीवी में देखा है और जैसलमेर में मिली है, तो आप इसमें कुछ आगे इसमें कुछ डिटेल करिए और इस प्रोजेक्ट को करना है हमें। तो मैंने कहा जरूर। उन्होंने मुझे बोल दिया, और सच बताऊँ मुझे जियोग्लिफ्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। तो मेरी पूरे यहाँ फ्रेंड है, सारी टीम है, पार्थ जी है, सुमित डौकिया जी है, अजिताभ जी है, विक्रम सिंह जी सारा, तो हम लोगों ने सब ने तुरंत फोन पे कॉल डिस्कस करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का
बीड़ा उठाया और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में फिर सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो इंटैक चेयरमैन एल के गुप्ता साहब का रहा है, नेचुरल हेरिटेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल डायरेक्टर मनु भटनागर साहब का रहा है और विशेष जो गाइडेंस मिली है वो जोधपुर महाराजा श्री गज सिंह जी साहब से मिली है और महेंद्र सिंह जी तंवर साहब जो हमारे स्टेट के को कन्वीनर है, जोधपुर के कन्वीनर है, उन्होंने इसमें अपने तरह से पूरा सपोर्ट किया है। तो एक पूरी टीम की तरह पार जी है, अजिताभ जी है, विक्रम सिंह जी साहब है, सब ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया। ERDS फाउंडेशन से तो सब ने मिलकर इस नई डिस्कवरी को किया है। डिस्कवरी पहले हो चुकी थी बट वो बहुत छोटे लेवल पे थी और हमने इसको पूरे लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे हमने 22 किए और आज मुझे और कुछ खबर मिली है कि 2-3 जियोग्लिप्स और मिले हैं। सिर्फ 50 डिग्री टेम्परेचर्स और बारिश और जगह जगह हम लोग कहीं ना कहीं भूख में परेशान होते थे, बारिश में रुक जाते थे, कहीं ना कहीं हर जगह हमें परेशानी तो हुई है, काफ़ी परेशानी हुई है इसको लेके, बहुत परेशानी। टकून तो ये है कि अगर इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर लें और इसको टूरिज्म के साथ कर लें और इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का बीड़ा उठाएं तो मुझे लगता है सच्चा सुकून तो वही होगा, नहीं तो